हाँ जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे। और आज का ये जो छोटा सा ब्लॉग जो बनाने का एक मेरा ख़ास रीज़न है, वो आपको वैसे तो थंबनेल से आपको आइडिया हो ही गया होगा, तो वो क्लिप जो है मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल आप यहाँ देखिए कि यहाँ जो है ना मम्मी के घर पे मैं गई हुई थी, तो यहाँ जो है ना बन रही है जो मठरी होती है नमकीन नमक वाली, वो हम बना रहे हैं। ये छोटी वाली भाभी है मेरे साथ जो मेरे पास खड़ी है, तो हम इस तरीके से जो है ना मतलब बना करके इकट्ठी रख लेते हैं। बच्चे खाने में बहुत पसंद करते हैं इसको, तो बस इसलिए बना करके जो है ना रख लेते हैं। बच्चे शौक से खा लेते हैं और घर में ऐसी चीज़ हो तो चाय वगैरह के साथ खाने में अच्छी लगती है। और तो यहाँ छोटी वाली भाभी और हम बना रहे हैं मठरी। अच्छा, तो चलिए आज का जो मोटो मेन जो मेरा ये 3-4 मिनट का जो ब्लॉग आज मैंने बनाया है, तो बड़ी मतलब मुझे खुशी हुई है एक चीज़ को लेकर के, तो बस वही मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना मैं चाह रही थी। अच्छा, असल में क्या है कि एक जो तो असल में क्या है कि एक यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बनाती हैं, अनीशा जो है उनका नाम है, और है ना उनके दो बेटे हैं सैफ और कैफ। तो एक्चुअली क्या है कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी ना, तब से मैं मतलब उनके चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था और अक्सर मैं उनके शॉर्ट्स वगैरह और वीडियोज़ जो है ना देखा करती थी, और मुझे मतलब उनको देख करके ना काफ़ी मतलब मैं मोटिवेट होती थी कि ना मतलब ये कितने अच्छे से अपने बेटों के साथ जो है ना मिल करके इतने अच्छे शॉर्ट्स बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं। तो मतलब मेरे भी मन में है ना ख्याल आता था कि मैं भी बना सकती हूँ जब ये लेडी होगी इतना आगे बढ़ सकती हैं, है ना, तो मैं भी मतलब कर ही सकती हूँ, इतने तो गट्स हैं। तो बस उन्हीं को देख करके अक्सर जो है ना मैं उनके शॉर्ट्स वगैरह देखती थी, तो बहुत इंस्पायर मतलब मैं होती थी। तो एक दिन जो है ना वो जो है लाइव अपने चैनल पे आ रही थी, तो मैंने उनका लाइव जो वीडियो देखा, तो फिर मैंने उनको है ना एक मेरी तरफ से एक मैसेज किया। तो उन्होंने जब मेरा मैसेज पढ़ा लाइव में जब मैं थी, तो मैंने उनको कमेंट जो करा था, तो उन्होंने मेरे उस कमेंट को पढ़ा, और मेरे उस कमेंट को पढ़ के जो है उन्होंने जो अनीशा हैं, तो उन्होंने जो मतलब उनका जो रिएक्शन था ना, तो वो बड़ा मतलब मुझे मेरे लिए बहुत खास था, बहुत खुशी देने वाला था मुझे। तो मैं बस वही जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो क्लिप जो है आप देखिए। आपकी मम्मी से ही इंस्पायर हुई थी मैं, मतलब हमारे चैनल पे इंस्पायर होकर अपना वीडियो चैनल स्टार्ट किया है। इनका 1,40,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है। माशाल्लाह, आप लोग भी जितने भी लोग अभी इस वक्त जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, रुको मत। अभी देखो एक यहाँ पर एक कमेंट आया ना मम्मी ब्लॉग 786 का, देखो कैसे मतलब मुझे थोड़ा सा वो देखी होंगी कैसे से कर रही हैं, तो बनाई तो उनका 1,00,000 सब्सक्राइबर भी हुआ, मतलब प्ले बटन भी आ गया और मेहनत की हो तभी हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है कि चलो मुझे देख लो और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून तो पहले होना चाहिए, उनके अंदर जुनून रहा होगा तभी देखो कर ली, और आगे भी इंशाल्लाह बढ़ती जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है ना मेरा जुनून उनके अंदर घुस गया है।